हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। ज्यों दायर बदल वालों हर एक तार की तरह स्वर्ण शक्ति रसायन अनेस दारू जिसनों असी कहने सोना चांदी तो तैयार, ये तुहाडे लई एक तरह का चवन पास की तरह हुंदा जिहड़ा रेडी है, जिहड़ा दिमागी काम करने लई विशेष रूप से तैयार है। चाहे अबरेशम जिहड़ा दिल दी नालियां नूं खोलण लई बहुत अच्छा काम करदा, गुलाब का अर्क पाया जाता वह ताकि अंदरों मल वगैरह ना जमण देवे, गरमैश नूं कढे बॉडी के विचों गर्मी में घट करे, फिर केस का सर्कुलेशन वधिया रखने वास्ते आ द्रव्य है जो सारे दिन पैंदे ने, मतलब भी दिखते हैं मेरे पढ़ लो। फिर आंवला इहदा बेस पैंदा, ये उन्हां लोकां लई ज़्यादा जिहड़े बल वीरिया वधाउण लई ते अपनी शक्ति नूं कायम रखण लई अखां दी वी होर ऑर्गन दी रूमी मस्त की बहुत कॉस्टली है जी, बहुत वधिया पैंदी है। किस तरह पूरा चांदी ते सोने दे वर्कां तों ये रेडी हुंदा तुहाडे लई बनाया जाता बहुत अच्छा। ये नींबू का सिलका ये सुका के पाया जाता, विटामिन सी की मात्रा ये बहुत ज़्यादा रहिंदी है। मैं समझदा कुल मिला के इस युग का सब तो वधिया, क्योंकि गर्मी ज़्यादा ये बहुत वधिया टॉनिक आ। आंवला बहुत वधिया देसी लिया जाता इस, ते ये हर एक साल की तरह इस बार भी तुहाडे लई रेडी हैगा। तो जिन्हां नूं वीरां नूं इसकी जरूरत हैगी आ वो फिर ज्यों दा आयुर्वेदा ते उहनूं पर नंबर दित्ता ते कर सकते ने। थैंक यू। ये अपना इहदा बनाउण दा प्रोसैस हैगा जिहड़ा बन रहा मैं दिखा रहा गा, ते तां कि तुहाडे लई बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ ही बनाई जाती है। ये गुलाब के अर्क के चास बनती है पहला मिश्री के, फिर आ दवाइया मिक्स करिया जाने। पहला आंवला जिहड़ा भुन्निया सी आपां दुध दे विच भिओं के उहदा कवाथ विच इहदे मिलाया जा रहा, ठीक है। तो इस तों बाद जदों इहदा अवले अच्छी तरह रेडी हो जाता, फिर जिहड़ियां दूसरियां केसर नागर मोथा रूमी बस्तगी वर्गियां बहुमुल्लियां दवाइयां हैगियां वह सारियां दे विच पाए ने, तो फिर चांदी दे विच वर्क पाए जाते हैं जिहड़ा कि बॉडी दे विच बिल्कुल ही गर्मी ना वधाउंदे होए बहुत ताकत दिंदा। चांदी दे वर्कां नाल इस तरह इहदे भरिया जाता पूरी क्वांटिटी दे विच चांदी दे वर्क, तो स्वर्ण भस्म जे कि जरूरत होवे एक्सट्रा ऐड करी जाती है। तो ये बहुत अच्छा टॉनिक आ। थैंक यू वेरी मच शेयर।